गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ कारण हो गया था। क्या मेरे हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर कर गया था और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी आजकल। और आप तो जान ही रहे थे कि मैं MP में रह रही थी कुछ दिन से, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गई हूँ बहुत सारे पौधे लेके, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन चलिए पहले मेन टॉपिक पर चलते हैं कि जो हमारा पौधा है गमला, उसका मिट्टी कैसा होना चाहिए, गमले की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, मैं कैसा मिट्टी में पौधा लगाती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, बहुत ही आसान है। मैं स्नान करने से पहले उसको सूट कर ली थी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी का काम थोड़ा सा गंदा गंदा हो जाता है, तो मैं पहले सूट कर ली थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं मिट्टी कैसा तैयार करती हूँ अपने गमलों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सभी गमलों में होल करूंगी। पौधा लगाने का सबसे पहला नियम कि गमलों में अच्छा खासा होल होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी पौधा लगा सकता है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। और ये कोई हार्ड काम नहीं है। मैं सभी में अच्छे से होल बना दूंगी, सारे गमलों में। सबसे पहले मैं ड्रेनेज के लिए होल बना दूंगी। और फिर चलिए मिट्टी बनाते हैं। ये मैंने गोबर का खाद लिया है। गोबर का खाद बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाता है। और ये मैंने गार्डन सॉइल लिया है, गार्डन सॉइल है ये। और ये देखिए, ये रेत है। अब मैं इनको सबको मिला दूंगी, खूब सारी मिट्टी। पेड़ पौधा लगाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। गमला का जो मिट्टी होता है ना, वो भुरभुरा होना चाहिए। सिर्फ आप मिट्टी में लगाइएगा तो पौधों की जो जड़ें हैं वो पैक हो जाएंगी। तो पौधों का जो जड़ है वो पैक नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं बालू, मिट्टी और गोबर का खाद, ये तीनों अच्छे से मिला लूंगी। भुरभुरा बना देते हैं। ये वाली मिट्टी अच्छे से बन गया। अब हम ड्रेनेज के लिए, अब ये मिट्टी बन गई है और इसमें होल भी हो गए हैं। और इसका अच्छा ड्रेनेज बनाने के लिए देखिए, मेरे पास बजरी पड़ा है, पहले से मेरे पास ये बजरी पड़ा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा नीचे में डाल दूंगी। इससे पानी का ड्रेनेज आसानी से हो जाएगा, जो छेद है वो ब्लॉक नहीं होगा। बस थोड़ा सा डालना है,
और ये जो मिक्स मिट्टी है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही आसान है। और इसी तरह से मैं सारे गमले बना लूंगी। फरवरी का महीना है फ्रेंड्स, आप लोग भी पेड़ पौधा लगाइए। पेड़ पौधा लगाने का सबसे अच्छा मौसम है फरवरी मार्च, न ज़्यादा गर्मी न ठंडी, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है ये। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारे गमलों में मिट्टी भर दिया है और अब ये रेडी है पौधा लगाने के लिए। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको इनमें अपना पौधा लगा के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कोई मेथड नहीं है, कोई हार्ड मेथड नहीं है कि ये लाओ वो लाओ। मैंने जो चीज़ें इनमें डाली हैं वो आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें मैं घर के बनाए हुए फर्टिलाइज़र, केमिकल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती फ्रेंड्स, मैं सरसों की खली इसमें डालती हूँ और जो अपना चाय पत्ती जो निकलता है किचन से उनको मैं इसमें डालती हूँ और नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको भी मैं इसमें डालती हूँ। अभी मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास होगी तो मैं इसमें डाल दूंगी। आप भी कभी भी डाल सकते हैं, बस पहला सबसे पहला इसको मैंने मिट्टी को भुरभुरा बना दिया है और बाकी फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम इसमें हम देते रहेंगे। बस यही आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसमें कोई हिसाब किताब का वाला बात नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही पेड़ पौधा लगाती हूँ, इनमें सब में मैं मिट्टी भर दी हूँ, अब आगे मैं इनमें पौधा लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो ये सारा जो मेरा मेथड है आपको कैसा लगा? आप अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और लोग जिनको इच्छा है वो भी छोटा मोटा गार्डनिंग कर सके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।